सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद शोक संवेदनाओं का सिलसिला लगातार जारी है। उनके निधन के बाद समाजवादी पार्टी को बड़ा धक्का लगा है। वहीं एनकेएन न्यूज से खास बातचीत में समाजवादी पार्टी के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी शकील अहमद ने नेता मुलायम सिंह यादव के अतीत के बारे में बताया। आइए सुनते हैं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी शकील अहमद ने क्या कुछ कहा है। समाजवाद के चमकते सूरज का आज अस्त हो गया। 82 वर्ष की उम्र में धरती पुत्र कहे जाने वाले नेता मुलायम सिंह यादव का मेदांता अस्पताल में आज निधन हो गया। निधन की खबर लगते ही पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई। 3 दिनों के लिए राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। साथ ही साथ विपक्षी दलों के नेताओं का भी दुख जताने का सिलसिला लगातार चल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी शकील जी, जिनसे बात करते हैं तो क्या लग रहा है, जिस तरह से मौत हुई है, किस तरह दुख है लोगों को? सबसे पहले तो मैं नेताजी के निधन पर अपनी तरफ से खराजे अकीदा पेश करता हूं। नेताजी एक युग थे और आज उस युग का अंत हुआ है, जिसका दुख हम सबको, समाजवादियों को, देश के सभी लोगों को बेइंतहा हुआ है। बहुत ही अफसोस में बहुत ही नुकसान आज हमारे देश का हुआ है। जी बिल्कुल, धरती पुत्र कहे जाने वाले नेता मुलायम सिंह यादव की मौत से लोगों को गहरा धक्का लगा है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज नेता लगातार शोक संवेदना भी व्यक्त कर रहे हैं। कैमरामैन इसरार के साथ आसिफ बेग, लखनऊ।